आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं प्रोफेसर सैया हूँ अब मैं मैं आज का विषय जो है वो ये है कि अक्सर मैं मेरे पास आता है कि साहब वो गाय का बच्चा मिट्टी खा रहा है और वो जो है गाय मिट्टी खा रही है भैंस मिट्टी चाट रही है और साहब बहुत चाटती है तो मिट्टी वो जब ही चाटता है जब उसे एनीमिया हो जाएगा या उसे पीलिया हो जाएगा मैं आपको ये भी बताता हूँ एनीमिया क्या होता है एनीमिया ये होता है जबकि आर आरबीसी में जैसे मलेरिया से थलेरिया से बवेसिया से आरबीसी मरते हैं तो उसे एनीमिया होता है उसके मतलब जो है वो आरबीसी कम हो जाते हैं टूट जाते हैं ऑक्सीजन नहीं जाती है ये जो होता है पीलिया ये होता है उसमें होता है कि जो लीवर में वो जा रहा है बैली रुबीन, वो आर टूट रहा है वो जो है वो वो जो स्प्रिन में टूट रहा है वो लिवर में जाके ब्रेक डाउन नहीं हो रहा और फिर वो शरीर में रह जाता है और और वो उस हालत में होता है जब लिवर काम नहीं कर रहा हो तो आप इसमें लिवर टॉनिक दीजिए एनीमिया और इसमें और कीड़ों की दवाई दीजिए कीड़े भी बहुत खून चूसते हैं और यह है कि ब्लड पैरासाइट होते हैं इनको भी देखते रहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको आयरन को दे देना है देखिए ये हीम अप है ये हीम अप है तो अगर ये उसमें आयरन की कमी हो जाएगी तो वो मिट्टी चाटने लगेगा तो इसमें हीम अप में देखिए एक तो माल्ट होता है तो माल्ट माल्ट जो होता है उससे जो है जानवर को भूख लगती है दूसरी बात यह थी है कि इसमें आयरन होता है इससे उसका एनीमिया ख़त्म होता है उसके साथ इसमें और सारे विटामिन भी होते हैं जिससे कि मतलब बायोटीन भी होता है विटामिन एच होलिक एसिड होता है निकेटन होता है तो आप इसे देख लीजिए और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आदमी का हिमिया फर्क होता है जानवर का हिमा फर्क होता है इसमें आप देख रहे हैं इसमें लिखा है फोर एक्स ये चार गुना उससे ताकतवर होता है तो ये मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ पर मैं अपने जानवरों पर इसी को यूज़ करता हूँ ये ईमप है कैडिला कंपनी का और ये आप रखिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा ज़्यादातर डॉक्टर लोग और वेटेरियन ये कहते थे इसके पेट में कीड़े इसलिए मिट्टी खा रही है ऐसी बात नहीं है जैसे आपको रिपीट ब्रीडिंग हो रही है जानवर खाना नहीं खा रहा है उसकी आँख जो है पीली हो गई और उसकी बजाय ना जो है बजाय ना मेम्रेन जो है वो सफ़ेद हो गई वो समझ आई कि वो जो है वो उसको आयरन की कमी हो रही है और सबसे बड़ा उसका यही है कि वो जो है वो मिट्टी चाटता है इसके लिए जैसे ग्लूकोज नापते हैं वो हीमोग्लोबिन मीटर भी आता है उसमें एक बूंद आप खून लेके आप पता लगा सकते हैं अगर बारह के करीब नहीं है तो आप जो है उसको फौरन हीम अगर आपका हीमोग्लोबिन जो है बारह बारह ग्राम प्रति सौ एम एल नहीं है तो वो फिर तो वो हीमोग्लोबिन मीटर भी हमारे यहाँ मिलता है आप खरीद सकते हैं उसके लिए आप पचासी पैंसठ जीरो बासठ छियासठ जीरो तो आप इस पर संपर्क कर लें ये आपको मिल जाएगा और वाइटामिन और मिनरल है देखिए ऐसा होता है कि जो आजकल बाजार में मिलते हैं वो विटामिन और मिनरल मिक्स ही मिलते हैं मिनरल मिक्सचर खाली नहीं मिलता है बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि साहब मैं घर पे बना लूँ अरे आप घर पे नहीं बना सकते उसका कॉम्बिनेशन होता है जैसे वा, वाइटामिन कैल्शियम जब भी काम करेगा जब वाइटामिन डी होगा वाइटामिन के होगा और उसका लिवर ठीक होगा और उसका किडनी ठीक होगा तो अगर आप वाइटामिन पर सूरज सूरज होगा तो ये सब ये सब बेकार की बात नहीं करना चाहिए ऐसा मैं आपको कैल्शियम बनाना बताऊंगा अरे आप उसे बना बता देंगे और उसमें वाइटामिन के नहीं है तो वो जो है वो हड्डियों में जाके वो मसल में जाके जमा हो जाएगा उसमें वाइटामिन के टू है तो वो जो है वो वो फिर हड्डियों में चला जाएगा एक्स्ट्रा कैल्शियम तो इसको समझिए साइकिल चलाना बात दूसरी है और हवाई जहाज़ उड़ाना बात दूसरी है हवाई जहाज़ उड़ाने में तो आपको सीखना ही पड़ेगा साइकिल तो दो चार पटक खाएंगे आप सीख जाएंगे तो ये जो है जो ये देसी नुस्खे और ये बताए जाते हैं इनसे ज़्यादा दूर रहिए आजकल नेट पर सब हाजिर है सब लोग पढ़े हुए हैं सबके पास इंटरनेट है तो आप किसी भी चीज़ को अपने आप करने की मत सोचिए धन्यवाद तो यही है मिट्टी खाने पे आप हिमअप दीजिए और ये फोर एक्स होता है फोर एक्स मतलब ये चार गुना इसमें ज़्यादा होता है इसमें आयरन जो है चार गुना ज़्यादा ज़्यादा होता है इसमें फोलिक एसिड भी वन पॉइंट सेवन होता है इसमें जो आप वो बेला मिल लगाते हैं वो भी इसमें इस विटामिन एच भी है और इसमें एक सौ साठ जो है फेरिक है और फेरस सल्फेट है फेरासो फेरिस सौ सौ डेढ़ सौ इनका एक रेशियो होता है आप इसमें देख लीजिए नेट पे भी देख सकते हैं आप इसमें भी देख सकते हैं और ये इसका कंपोजिशन यहाँ पे दिया जाएगा तो इसको देखिए धन्यवाद आपने सुना आपको कोई भी Uh, सूचना प्राप्त करनी है ट्रेनिंग के बारे में तो आप सात नौ सात नौ आठ चार आठ तीन तीन दो हमारे राजा जी हैं वो डायरेक्टर हैं हमारे ट्रेनिंग के और सब बात कर सकते हैं धन्यवाद